भारत माता की जय। मैं सिपाही प्रदीप सिंह पुंडीर, सेना भवन दिल्ली में कार्यरत हूँ। मेरे देश के प्यारे साथियों, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरे पिता का कत्ल 3 जून 2018 की शाम बड़ी ही बेदर्दी से हुआ। उसमें गांव के कई लोग शामिल हैं और बाहर से बुलाए गए कुछ आदमी हैं। मैं आज इतना मजबूर हो चुका हूं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा। मैं पुलिस के आला अधिकारी से मिल चुका हूं, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सब जगह मैं गुहार लगा चुका हूं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज मैं मजबूर होकर यह वीडियो वायरल कर रहा हूं। मेरे देशवासियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें। मैं बहुत तंग आ चुका हूं इस प्रशासन से। इस प्रशासन ने मेरे साथ इतना बुरा किया, इतना भेदभाव रख रहे हैं मेरे साथ कि बोल रहे हैं कि तुम्हारी वर्दी तक उतरवा देंगे हम। और मुजरिमों से साठ गांठ करके मुजरिमों को छोड़ दिया गया। मेरे पिता की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, जिस तरीके से मेरे पिता 3 जून की शाम खेत पर पानी चलाने के लिए गए हुए थे, वहाँ पर गांव के कुछ लोग और बाहर से बुलाए गए लोगों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत उनकी निर्मम तरीके से हत्या की। फावड़े से काट कर निर्मम तरीके से हत्या की गई। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मुझे अभी इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। पुलिस वालों ने इतना मेरे साथ ज्यादती की, यहाँ तक कि मेरे को बोल रहे हैं कि तू शांत रह, नहीं तो तेरी वर्दी उतरवा के तेरे को जेल भेज दिया जाएगा। अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मेरा इस देश की सरकार से अनुरोध है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा। अब मेरे परिवार के अंदर छह लोग सेवा दे रहे हैं आर्मी में, लेकिन मेरे परिवार को तितर बितर कर दिया इन पुलिस वालों ने, मेरे साथ इतना जुर्म किया। के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उसके पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में बताना चाहूँगा कि दिनांक 3 जून 2018 को इसके पिता की हत्या की गई थी, जिसमें यह स्वयं वादी था और इसने दो लोगों के मात्र नाम दिए थे। साक्ष्य के आधार पर दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। वह चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। पुनः इसके द्वारा दो अन्य लोगों के नाम बाद में बताए जा रहे हैं और पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि इसमें अभी तक साक्ष्य संकलन में मात्र दो ही लोगों के नाम आए हैं और उन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। अतः पुलिस स्तर पर इसमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। यदि यह वादी संतुष्ट नहीं है और यह चाहता है कि इसके मुकदमे को किसी अन्य एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, तो इससे प्रार्थना पत्र लेकर के इसमें संशोधित कर दी जाएगी। इसके द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया, इस संबंध में इसकी एक रिपोर्ट भी संबंधित विभाग को भेजी जा रही है।